राधे राधे सभी को। अब हम सुनेंगे शीतला माता की एक और कहानी। इस कथा के अनुसार एक बार एक बुढ़िया और उनकी दो बहुओं ने शीतला माता का व्रत किया। उन सभी को अष्टमी तिथि को बासी खाना खाना था। इसके चलते ही उन्होंने सप्तमी को ही भोजन बनाकर रख दिया था, लेकिन दोनों बहुओं को बासी भोजन नहीं करना था, क्योंकि उन्हें कुछ समय पहले ही संतान हुई थी और उन्हें लग रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि वो बासी भोजन करें और बीमार हो जाएं। अगर ऐसा हुआ तो उनकी संतान भी बीमार हो जाएगी। दोनों बहुओं ने बासी भोजन ग्रहण नहीं करके अपनी सास के साथ माता की पूजा की। इसके बाद पशुओं के लिए बनाए गए भोजन के साथ ही अपने लिए भी ताजा भोजन बना लिया, फिर उसे ग्रहण भी कर लिया। फिर जब उनकी सास ने उन्हें बासी भोजन करने के लिए कहा तो उन्हें टाल दिया। यह कृत्य देखकर शीतला माता कुपित हो गई और अचानक ही उनके नवजातों की मृत्यु हो गई। जब यह बात सास को पता चली तो उसने अपनी बहुओं को घर से निकाल दिया। दोनों अपने बच्चों के शवों को लिए रास्ते पर जा रही थी, तभी वे एक बरगद के नीचे आराम करने के लिए रुकी। यहाँ पर दो बहनें थी जिनका नाम औरी और शीतला था। ये सिर में पड़ी जुओं से बहुत परेशान थी। बहुओं को उनकी स्थिति देखकर उन पर दया आ गई। उन्होंने उनकी मदद करनी चाही। उन बहनों के सिर से उन्होंने जुएं निकाली। इस तरह उन दोनों बहनों को चैन मिल गया। उन बहनों ने बहुओं को आशीष दिया कि तुम्हारी गोद हरी हो जाएगी। यह सुनकर उन बहुओं ने कहा कि उनकी गोद हरी तो नहीं हुई, लुट गई है। तब उनमें से एक बहन जिसका नाम शीतला था दोनों बहुओं को लताड़ लगाई और कहा कि पाप कर्म का दंड तो भुगतना ही पड़ता है। तब उन दोनों बहुओं ने माता शीतला को पहचान लिया। वे दोनों उनके पैरों में पड़ गई और क्षमा मांगने लगी। माता को उनके पश्चाताप करने पर दया आ गई और उन्होंने उनके मृत बालकों को जीवित कर दिया। यह देखकर वह खुशी खुशी गांव लौट आई और इसके बाद से पूरा गांव माता शीतला को मनाने लगा। हे शीतला माता, जो भी इस कहानी को कहे और सुने या हुकारा भरे, उन सभी पर आपकी कृपा बनाए रखना। बोलो शीतला माता की जय।